हे दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक बुक की समरी, थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। इस बुक के बारे में बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इन बुक के अंदर उन्होंने ऑथर ने 7 लोगों के बारे में बताया, जो 7 लोग आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, और ये 7 लोगों से हमेशा आपको दूर रहना है। तो कौन से, देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले एक नंबर पर आते हैं, वो है कंप्लेनर, जो हमेशा किसी भी चीज़ का कंप्लेन करते रहते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें अच्छी हो उसमें बुरा ही निकालते हैं, तो हमेशा कंप्लेन करते हैं। दूसरे होते हैं कैंसलर, जो हमेशा कुछ भी हम करने जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि नहीं होगा, तो ये इन लोगों से आपको दूर रहना है। और तीसरे नंबर के होते हैं कैजुअलिटीज, जो हमेशा केयर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बहुत टेंशन में रहते हैं, इन लोगों से भी आपको दूर रहना है। और आगे के जो 4 नंबर के जो पीपल रहते हैं, वो जजिंग करते हैं, हमेशा लोगों को जज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा वो जजिंग करते हैं लोगों के। और नेक्स्ट रहते हैं कमांडर, जो उनको लगता है कि लोग उनकी जो भी हम बोलते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं, उनको फॉलो करें, और हमें कंट्रोल में हर एक चीज़ रहने चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं कंपेटर, जो हमेशा किसी भी लोगों के साथ कंपेयर करते हैं किसी भी चाहे, तो कंपेयर करने से क्या होता है, हमें दुख होता है। तो इन लोगों से आपको दूर, बोलते हैं कि इन लोगों से दूर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर एक चीज़ में निगेटिविटी तो आती है, लेकिन इनसे अगर एक सिंपल फार्मूला बोलते हैं, उसको 70-25 रूल बोलते हैं, जो भी हमारा दिन का पूरा टाइम स्पेंड रहता है, तो 25% निगेटिव लोगों के साथ जो भी आता है उसको स्पेंड कीजिए, और 75% जो आप पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड करते हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या कुछ ऐसे लोग, उनके साथ स्पेंड कर सकते, ताकि आपका जो भी, जैसे हम कोरोना के टाइम में वैक्सीन लेते, तो पॉजिटिविटी की वैक्सीन हमेशा दिन के अंदर लेनी ही चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी तक इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इस वीडियो को